रेल हादसे में 4 ट्रेन यात्रियों की मौत, 70 के करीब घायल, दिल्ली से गुवाहाटी जा रही थी ट्रेन। हादसे के बाद रेलवे के अधिकारी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम, डॉक्टरों की टीम घटनास्थल पर मौजूद, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए पटना पीएमसी किया गया रेफर, सामान्य घायलों का इलाज रघुनाथपुर अस्पताल में जारी। रेल हादसे के बाद शवों का रेस्क्यू करके निकाला गया बाहर, पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए शव। हादसे के बाद रेलवे ने जारी किया 4 हेल्पलाइन नंबर्स, हेल्पलाइन नंबर से संपर्क करके घटना की मिलेगी पूरी जानकारी। पटना दानापुर आरा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी, कमर्शियल कंट्रोल के लिए भी जारी किया गया है हेल्पलाइन नंबर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने हादसे के बाद हादसे के अधिकारियों से ली पूरी जानकारी, पटना एम्स में घायलों का जाना हालचाल। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस रेल हादसे की वजह से कई ट्रेन हुई प्रभावित, कई ट्रेनों के बदले गए रूट, पटना बिहार के बीच चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की गई कैंसिल। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने हादसे को बताया दुखद, बचावकारी टीम को दिए गए जरूरी निर्देश, घायलों के इलाज के लिए निर्देश जारी। और चलिए आप सीधा लेकर चलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिथौरागढ़ में इस वक्त मौजूद हैं, तस्वीरें आपके सामने। देखिए आज उत्तराखंड का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और कई योजनाओं का शिलान्यास होगा, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे पिथौरागढ़ में तो देखिए यहां पूजा पाठ करते हुए, और ये तस्वीरें बहुत ज्यादा अहम हो जाती हैं क्योंकि देखिए ये जो भूमि है देवभूमि उत्तराखंड की, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचना और देखिए किस तरीके से यहां पर दर्शन पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आदि कैलाश की तस्वीरें। और पिथौरागढ़ जिले में ही उत्तराखंड के ये स्थित है आदि कैलाश, पार्वती कुंज में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है। आज उत्तराखंड को कई करोड़ परियोजनाओं की सौगात मिलने वाली है, कई परियोजनाओं का शिलान्यास होगा, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप ये तस्वीरें देख लीजिए, पार्वती कुंड की ये तस्वीरें हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद है पिथौरागढ़ में। देखिए हाथ में पूजा की थाली और पूजा पाठ करते हुए सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उत्तराखंड दौरे की शुरुआत की है पिथौरागढ़ से, जहां पर पार्वती कुंड में सबसे पहले भगवान शिव का आशीर्वाद लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। तो ये देखिए महत्वपूर्ण तस्वीरें आप इस वक्त की देख रहे हैं, यहीं से शिवलिंग की पूजा करने की प्रार्थना की शुरुआत हुई थी जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद है। तो देखिए पार्वती कुंड से ये लाइव तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप इस वक्त देख रहे हैं। जैसा कि तय कार्यक्रम था कि 9:30 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे, लेकिन ये तस्वीरें जो सामने आई हैं 9:30 अभी नहीं बजे हैं, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, पार्वती कुंड से ये तस्वीरें लाइव आपके सामने हमने रखी है जहां पर सबसे पहले भगवान शिव का, मां पार्वती का आशीर्वाद ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज का पूरा स्केड्यूल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फिक्स है कि किस तरीके से आगे का कार्यक्रम उनका रहने वाला है। उत्तराखंड का यह दौरा चुनाव से पहले 2024 के काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने इस दौरे को लेकर काफी उत्सुक नजर आ रहे थे और इस दौरे की शुरुआत उन्होंने की है भगवान भोले के आशीर्वाद के साथ, हाथ में पूजा की थाली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माथे पर यह तिलक। और देखिए पूजा स्थल पर पहुंचकर पार्वती कुंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए बेहद महत्वपूर्ण यह दौरा माना जा रहा है चुनाव से पहले, और आपको बताएं कि आज उत्तराखंड वासियों को
बहुत सौगातें मिलने वाली हैं। पिथौरागढ़ में कई करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास आज होने वाला है। पार्वती कुंड और जागेश्वर धाम में पूजा करने का यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहले से तय था कि वो पार्वती कुंड में पहुंचेंगे, पूजा दर्शन करेंगे। तो देखिए ये जो तस्वीरें हैं ये महत्वपूर्ण है अपने आध्यात्मिक महत्व और प्राकृतिक सुंदरता के लिए। ये पूरा क्षेत्र जाना जाता है जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें आप उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से देख रहे हैं। तो बिल्कुल पूजा ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि चुनाव से पहले पीएम मोदी का ये दौरा बहुत जरूरी हो जाता है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो श्रीनवास हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। श्रीनवास, ये दौरा पार्वती कुंड पर पीएम मोदी पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में पिथौरागढ़ भी पहुंच जाएंगे, क्या कुछ और जानकारी? आदित्य मैं बताऊं कि इस वक्त आदि कैलाश के पास पार्वती चुके हैं, वहाँ वो अपनी आस्था अपनी श्रद्धा जो है वो अर्पित कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे एक और संदेश है, आप ये समझिए कि इस वक्त वो जहाँ पे मौजूद हैं वो एक तरह से चीन से लगती हुई सीमा है और आपकी जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है इस वक्त में अगर देखा जाए और प्रधानमंत्री मोदी खुद चीन की सीमा तक पहुंचते हैं ये एक बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं इसमें एक संदेश पड़ोसियों के लिए भी छिपा है। लेकिन फिलहाल इस वक्त वो महादेव को और जो पार्वती सरोवर है वहां अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। तो और उसके बाद वहां से कुछ देर के बाद वो रवाना होंगे और 10 बज के करीब का वक्त होगा जब वो गुंजी पहुंचेंगे। यहाँ ITBP का कैंप है, यहाँ वो सेना के ITBP के तमाम जवानों से यहाँ मिलेंगे और यहाँ के कुछ खास लोग जो आसपास के गाँव के हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। तकरीबन आधे घंटे का कार्यक्रम उनका यहाँ गुंजी में है। तो ये जो अभी प्रधानमंत्री मोदी, और ये भी बता दूं कि इस वक्त जहाँ वो मौजूद हैं वहाँ पे तापमान जी, श्रीनिवास आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो गई है, हम आपको क्लियर सुन नहीं पा रहे हैं। मैं फिर आपके पास लौटती हूँ और तब तक हम ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाएं और बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त हैं पार्वती कुंड में मौजूद। और जैसा कि श्रीनिवास जानकारी दे रहे थे कि गुंजी गांव में वो पहुंचेंगे और वहां पर उनका एक कार्यक्रम है। तकरीबन आधे घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहीं पर मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे पहले यहां पर पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। और टेम्परेचर देखिए यहां पर काफी कम है, बहुत सर्दी है यहां पर, जैसा कि श्रीनिवास जानकारी दे रहे थे। तो ये देख लीजिए आप तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिथौरागढ़ में मौजूद पार्वती कुंड से पीएम मोदी की ये लाइव तस्वीरें। और बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है इस पार्वती कुंड का जहां पर मोदी इस वक्त मौजूद है और यहां पर सबसे पहले वो भगवान शिव का मां पार्वती का आशीर्वाद ले रहे हैं और ये आशीर्वाद लेकर वो अब जाएंगे, रवाना होंगे गुंजी गांव के लिए जहां पर उनका आधे घंटे का कार्यक्रम तय हुआ है। तो आज देखिए इंतजार था लंबे वक्त से इस दौरे का प्रधानमंत्री मोदी के, क्योंकि यकीनन मोदी आए हैं तो सौगातें देंगे और पिथौरागढ़ वासियों को आज क्या मिलेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिटारे से देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि राजनीतिक मायने इसके बहुत ज्यादा खास माने जा रहे हैं। सीमा के पास चीन की यहां पर मौजूदगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जैसा कि श्रीनिवास भी जानकारी दे रहे थे, तो ऐसे में ये बहुत ज्यादा अहम माना जाता है। और इसी के साथ ही खास तौर पर राजनीतिक मायने इस दौरे के बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि 2024 लोकसभा का चुनाव और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड में पहुंचना, गुंजी गांव जहां पर माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, आशीर्वाद लेने के बाद पार्वती कुंड से सीधे उनकी रवानगी होगी गुंजी गांव में और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी होगी। ऐसे में आज उत्तराखंड वासियों को जो इंतजार था लंबे वक्त से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे का, आज वो इंतजार खत्म हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मौजूदगी है इस वक्त पिथौरागढ़ में आप देख रहे हैं। तो बिल्कुल ये तस्वीरें, जिस तरह से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पिथौरागढ़ उत्तराखंड की, ये वो तस्वीरें हैं। और श्रीनिवास एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्वती कुंड में मौजूद जो कि जाना जाता है, माना जाता है अपने आध्यात्मिक महत्व के लिए, क्या मायने निकाले जाए राजनीतिक तौर पर भी इस दौरे के? श्रीनिवास, आज देखिए जहाँ तक तो पूजा, मैं आपको बताऊं कि अभी पार्वती कुंड पे पूजा के बाद और उसके बाद पार्वती जी करीब जहाँ प्रधानमंत्री की एक जनसभा है यहाँ गुंजी गांव में। हालांकि ऐसी कोई जनसभा नहीं है, थोड़ी देर के लिए वो यहाँ ITBP और सेना के जवानों से मिलेंगे और उसके बाद यहाँ से प्रधानमंत्री मोदी पिथौरागढ़ जाएंगे और वहाँ उनकी एक जनसभा है जहाँ वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। हालांकि देखिए चुनाव का ये वक्त है, इसे चुनावों से भी जोड़ा जाएगा, तमाम तरह की बातें की जाएगी, लेकिन कई मुद्दे अहम है। जैसे एक बात कही जा रही है
कि पहली बार हिंदुस्तान के आजाद होने के बाद पहली बार ये और दूसरी बात यह है कि ये चीन से बिल्कुल लगता हुआ सरहद है। मैं आपको बता दूं, लेख के बारे में बात की जाती है, जिस लिपुलेख के बारे में लगातार विवाद होता रहता है, वो लिपुलेख में चंद किलोमीटर की दूरी पे है। अगर हम बात करें एरियल डिस्टेंस से तो 4-5 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस नहीं होगा। जहां बात की जाती है, एक राजनीतिक संदेश है कि चुनाव का वक्त करीब आ गया है तो प्रधानमंत्री मोदी अभी यहाँ। दूसरा, जिसकी बात मैं कर रहा हूँ जियो पॉलिटिकल सिनेरियो की, कि चीन की सीमा पे पहुंचकर एक बार चीन को भी संदेश। बिल्कुल श्रीनिवास, जैसा आपने जियो पॉलिटिकल सिनेरियो समझाया और मायने समझाए इस पूरे दौरे को लेकर, लेकिन पिथौरागढ़ कितना तैयार है प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए? क्या आप देख रहे हैं तस्वीरें? देखिए, अब मैं जहां तक मैं बताऊं, इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, यहां पे प्रधानमंत्री मोदी जी, आपका शुक्रिया श्रीनिवास तमाम जानकारी देने के लिए। और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पार्वती कुंड से लाइव, जहां पर पीएम मोदी मौजूद है और जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की, दर्शन किए। तो आज क्या कुछ प्लान रहने वाला है, क्या कुछ स्केड्यूल रहने वाला है, लगातार उससे अपडेट हम आपको देंगे। इसराइल हमास जंग से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां पर बोली है कमला हैरिस, जो हुआ वो बेहद निंदनीय है, कमला हैरिस का ये कहना है। साथ ही इसराइल हमास जंग पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, आतंक को जायज नहीं ठहरा सकते। तो कमला हैरिस ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको बता रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम आतंक के खतरनाक स्वरूप को देख रहे हैं, हमारी प्राथमिकता अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा है। और अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने यह भी कहा है कि हम इसराइल के साथ लगातार खड़े हुए हैं। ये बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसराइल हमास जंग पर बोली है कमला हैरिस, तो देखिए उन्होंने कहा है कि जो हुआ वो बेहद निंदनीय है, इसराइल हमास जंग पर लगातार नजर बनी हुई है हमारी, और आतंक को जायज नहीं ठहरा सकते। तो जो भी बातें कमला हैरिस ने कही है वो हम आपको बता रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि हम आतंक के खतरनाक स्वरूप को देख रहे हैं और हमारी जो प्राथमिकता है वो अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा है। तो ये बड़ी अपडेट, अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने ये भी कहा है कि हम इसराइल के साथ लगातार खड़े हुए हैं, लगातार हमारा सपोर्ट उनके साथ है। तो ये बड़ी अपडेट, कमला हैरिस को भी बातें आपको हमने बताई, जो भी कुछ उन्होंने कहा कि आतंक को जायज नहीं ठहरा सकते हैं, कमला हैरिस का क्या कुछ कहना है वो हम आपको बता रहे हैं। तो इसराइल हमास जंग पर कमला हैरिस ने क्या कुछ कहा, जो हुआ वो बेहद निंदनीय है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।